गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हो चुका है 13 अक्टूबर 2018 शनिवार। और दोस्तों, आज की टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में 14 बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। काफी कुछ काम की है, कुछ चीजें सस्ते महंगे को लेकर, पेट्रोल डीजल के भाव अपडेट के ऊपर, पेट्रोल पंप बंद को लेकर, वही मौसम समाचार के तहत कई बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। बात करते हैं दोस्तों पहली बड़ी खबर अपडेट की, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे रुपये को बचाने के लिए सरकार ने लिया फैसला, महंगी हो जाएंगी ये वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा डॉलर और रुपये के अंदर क्या कुछ बड़ा बदलाव चल रहा है पहली बार। ऐसे में 19 वस्तुओं पर 27 सितंबर को आयात शुल्क बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर टेलीकॉम पुर्जों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया, और इसके चलते क्या क्या चीजें महंगी हो जाएगी आप देख सकते हैं। पहला आ रहा मोबाइल फोन, टेलीकॉम उत्पाद जैसे कि बेस स्टेशन, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट और मोबाइल फोन जैसी चीजें महंगी हो जाएगी। एसी और फ्रिज के ऊपर कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दें, ऐसे में ये भी महंगी हो जाएगी। साथ में वॉशिंग मशीन के ऊपर भी बढ़ा दिया गया है। विमान यात्रा और सैनिटरी उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर यहाँ देख सकते हैं, खुशखबरी निकल कर आ रही है टाटा स्काई के ग्राहकों के लिए, फिलहाल दिखते रहेंगे सोनी के चैनल्स। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा रिसेंटली एक खबर आई थी कि टाटा स्काई के ऊपर ग्राहकों को सोनी चैनल्स नहीं दिखेंगे, लेकिन उसी के ऊपर अब गुड न्यूज निकल कर आ रही है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क और टाटा स्काई के बीच बढ़ते विवाद पर दूरसंचार विवाद समाधान ने अपना अंतरिम आदेश जारी कर दिया है, और इसके चलते डीटीएस टाटा स्काई प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को सोनी के 11 चैनल्स जो है दिखते रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर आप देख सकते हैं, बैंक में 1 लाख से अधिक का लेन देन करने वाले खाताधारकों पर रहेगी नजर। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेजी से चल रही है, और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करवाने के लिए सख्त रुख और कुछ कानून बना दिए गए हैं। और उन्होंने कहा कि खासकर ऐसे खाताधारक जो पहले कभी 1 लाख या इससे अधिक की राशि का लेन देन नहीं करते थे, और अब अगर उनके बैंक खातों में 1 लाख रुपए एक साथ जमा कराए जाते या निकाले जाते तो ऐसे खातों पर सरकार की नजर रहेगी। फिर चाहे आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो, भारतीय स्टेट बैंक, SBI, PNB, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI वगैरह सभी बैंक खाताधारकों के लिए बड़ा अलर्ट है। अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, UPTET 2018 अध्यापक पात्रता परीक्षा की डेट बदली है, अब 18 नवंबर को होगा एग्जाम। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने 4 नवंबर को होने वाली TET परीक्षा 2018 की डेट बढ़ाती है, और इसका एग्जाम जो नेक्स्ट 18 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया। अगली बड़ी खबर यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, चांदी की कीमतों में भारी तेजी, लगातार तीसरे दिन बढ़े सोने के रेट। जी हाँ दोस्तों, मजबूत वैश्विक रुख के बीच त्योहारी मांग से स्थानीय आभूषण कारोबारियों की लिवाली से सोने में लगातार तीसरे दिन तेजी रही, और आज सरापा बाजार में सोना 140 रुपए उछलकर 32,120 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 500 रुपए चढ़कर 39,500 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, दशहरे से पहले हरियाणा के लाखों पेंशन धारकों को राज्य सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों के लिए भी महंगाई राहत भत्ते को मौजूदा 7% से बढ़ाकर 9% कर दिया है। अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैंने कल भी आपको DLS न्यूज के ऊपर नया वीडियो बना करके अपडेट दिया था कि अलर्ट है, अगले 2 दिन के लिए बंद हो सकता है इंटरनेट, नहीं कर पाएंगे बैंक ट्रांजेक्शन। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में कहीं कहीं जगहों पर इंटरनेट बंद रहेगा, इंटरनेट यूजर्स के लिए अगले 2 दिन मुश्किल भरे हैं, और खबर है कि अगले 48 घंटे तक दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज बाधित रह सकती है, क्योंकि रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट उपभोक्ताओं को अगले 48 घंटों के दौरान नेटवर्क कनेक्शन फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके रिगार्डिंग अपडेट आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो इस मेंटेनेंस के कारण पूरी दुनिया के 1% यानी कि करीब 3.6 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, और इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। तो कुछ कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स है जिनमें रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के कुछ ग्राहकों के लिए इंटरनेट सेवा बाधित हो सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो मैंने आपको कल भी बताया था LPG गैस कनेक्शन के बाद अब मुफ्त में इंडक्शन चूल्हा देने की तैयारियां कर रही है मोदी सरकार, और इसके रिगार्डिंग यह पूरी योजना आप देख सकते हैं। जिस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन दिए थे, उसी तरह से PM मोदी गवर्नमेंट की तरफ से नई स्कीम निकल कर आ रही है, और ऐसे में इंडक्शन चूल्हा दिया जाएगा यानी कि बिजली से चलने वाला चूल्हा। और सरकार का एक एनालिसिस और रिसर्च के तहत दोस्तों ये बताया जा रहा है कि गैस कनेक्शन के ऊपर जो हम खाना बनाते हैं उसमें जो खर्च आता है उससे भी ज्यादा सस्ती रहेगी बिजली खर्च के रूप में। इंडक्शन चूल्हे का उपयोग करने में आपको सालाना 1500 रुपए की बचत देखने को मिलेगी, और इस चूल्हे की कीमत मात्र 800 रुपए होगी, और डबल चूल्हा लें अगर आप तो 1500 रुपए की होगी, जो कि मोदी सरकार की तरफ से आपको पहले फ्री में दिया जाएगा और बाद में इसकी कीमत बिजली बिल के अंदर एड करके आपसे ले ली जाएगी, वो भी किस्तों में। तो ये योजना जब से शुरू होगी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर और नया अपडेट दे दूंगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर अपडेट मौसम समाचार के तहत निकल कर आ रही है, उड़ीसा में चक्रवात तितली से 60 लोग प्रभावित हुए हैं, और अब भी 19 जिलों में रेड अलर्ट जारी है, राहत अभियान तेजी से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 3 जिलों में बचाव और राहत अभियान को तेज करने के लिए NDRF की कई सारी टीमें तैनात कर दी है, और यहाँ पर अभी भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अलर्ट निकल कर आ रहा है इन जिलों में आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, जिस तरह से भारत में तितली तूफान चल रहा है, उस तरह से अमेरिका में सदी का सबसे भीषण माइकल तूफान आया हुआ है, और इसके चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों, इसी वजह से मैं आपको DLS के ऊपर समय समय पर अलर्ट देता रहता हूँ, कब भारी बारिश की चेतावनी होती है, कब भयंकर तूफान की चेतावनी होती है, तो ऐसे में सावधान रहें, अलर्ट रहें, छोटे बच्चे बच्चों बड़े बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, दिल्ली वालों पर इस दिन आएगी बड़ी मुसीबत, 24 घंटे तक बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल की रेटें सस्ती करने के बाद कई राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल के ऊपर से वे टैक्स को कम किया था, लेकिन यहाँ पर दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर वे टैक्स नहीं घटाया, और उसी के कारण पेट्रोल पंप डीलर्स जो है दिल्ली
दिल्ली के अंदर हड़ताल करने जा रहे हैं और इसी के रिगार्डिंग पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार 22 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लेकर के 23 अक्टूबर को सुबह 6 बजे तक दिल्ली की राज्य के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। बहुत ही खतरनाक अपडेट है ये दिल्ली स्टेट से बिलोंग करने वाले सभी लोगों के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर इजाफा हुआ है। आपके शहर में आज की क्या कीमत और अपडेट है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप आज के पेट्रोल डीजल के भाव और अपडेट चेक कर सकते हैं। तो पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आज की बड़ी खबर अपडेट आपको मिल गए होंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि उन तक भी ये खबरें पहुंच जाए। और साथ ही अगर आप डीएलएस न्यूज पर नए आए तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा देना, ताकि आपको हर काम की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। और साथ ही आप कौन से राज्य में रहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।